Five twos are ten. Five twos are ten. Five threes are 15. Five threes are 15. Ah! ये क्या बदतमीजी है? अरसलान, खड़े हो जाओ. अरसलान, मैं आपसे कह रही हूं, खड़े हो जाओ. मिसेस समझ कर दे, पढ़ ले. खामोश, खड़े हो जाओ. क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नो मिस. टेबल पढ़ के सुनाओ. फाइव वन दा फाइव, फाइव टू दा टेन, फाइव टू दा फिफ्टीन, फाइव फोर दा ट्वेंटी. और ट्वेंटी. नवीद, खामोश रहो आप. डिले, आओ रेस लगाती है. पढ़ाई में तो तुम वैसे ही पीछे हो. रेस ही जीत लो, कुछ तो अपने साथ का ख्याल रख. तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो खुद अपने लिए प्रॉब्लम है. तुम मेरे दोस्त को इंसल्ट नहीं कर सकते. तो उससे कहो ना, पर लगाओ रेस, बचा नहीं सकते अपनी. आओ लगाते हैं रेस, चलो ग्राउंड में. चलो. यार, हार जीत तो जिंदगी कैसे है? तुम इतने उदास क्यों हो जाते हो? यार, हार मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा है, इसीलिए मैंने जीत कभी देखी नहीं. याद है तुम्हें उस दिन सरकार क्या बोल रहे थे? जो लड़ता रहता है उसकी हार कभी नहीं होती. हारता वो है जो मायूस होकर हथियार डाल देता है. तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे याद कर लेते हो? तुम मायूसी को अपने करीब आने मत, तो तुमको भी बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी. यार, तुम इतनी फ्रेश कैसे होते हो? मैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, और तुम्हारे जैसे हर वक्त सोचने में गुम नहीं रहता. और नाश्ते में उबले हुए अंडे, दूध और डबल रोटी भी खूब मक्खन लगा के खाता हूँ. और गोश्त और मछली भी मैं शौक से खाता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ठीक से नाश्ता कर लो, भूखे पेट पढ़ाई नहीं होती. अरे, पहले अंडा डबल रोटी खाओ. चलो
अंडा चाने लगता है, देर भी हो रही है, पापा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। देखा? कोई नहीं देखा। चलो पहले सही से नाश्ता करोगे फिर जाओगे, वैसे नहीं। जल्दी गिरो, ये खाओ सही से। यार तुम फिर को गए, वो नवीद वाले सही कहते थे कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अम्मी अम्मी, क्या है बेटा, क्या पकाया है आपने? आलू गोश्त, तुम्हें पसंद है ना? आलू गोश्त अम्मी दे ना। अरे आज हुआ क्या है, बहुत भूख लगी है? भूख नहीं लगी, पर आज मुझे डट कर खाना है। चलो जाओ कपड़े बदलो, मिलाती हूँ। जाओ कपड़े बदलो। नहीं ना। जाओ मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के बैठ जाओ, मैं आ रही हूँ, ला रही हूँ खाना। अच्छा ठीक। वहाँ जाने जरूरी है। अच्छा आप नहीं आओगे? देखते हैं। आप कब जा रहे हो? माँ मैं कमरे में जा रहा हूँ होमवर्क करने, मुझे दूध का भरा हुआ गिलास भी चाहिए। ठीक है अरसलान, तुम जाओ फिर मैं दूध में बादाम डाल कर लाती हूँ। ठीक है? ठीक है। सलमा क्या माजरा है? अच्छा है ना जवाद, खाने पीने में दिलचस्पी लेगा तो सेहतमंद होगा। अब देखना बच्चों, मैं हर रेस कैसे जीतूंगा और पढ़ाई में भी सबसे आगे निकलूंगा, और जब नवीद को हराऊंगा तो मैं भी जोर जोर से हंसूंगा, अपनी जीत की खुशी मनाऊंगा। जी बच्चों, अब कौन सुनाएगा फाइव का टेबल मुझे? मैं। आप सुनाओगे अरसलान? हाँ मैं सुनाऊंगा। वेरी गुड, सुनाओ। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा फाइव सिक्स जा खामोश। साथ प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्लास में टेबल याद नहीं था तो क्लास में तुमने हाथ क्यों खड़ा किया? याद था मुझे, मुझे याद था। तो फिर क्या मसला है? फिर सब क्या मसला है? तुम फिर सोच रहे हो? यार वहीद, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, जरूर कोई प्रॉब्लम है। चलो क्लास जाते हैं। चलो चलो।
इधर आओ। किसके साथ आए हो? मैं इसके साथ। और ये किन के साथ आए हैं? मैं इनके साथ। अच्छा अच्छा समझ गया, दोनों अकेले आए हो। क्या प्रॉब्लम है बेटा? यही पता करने आए। अच्छा, मेरा मतलब ये, अगर कोई तकलीफ है तो बताओ। डॉक्टर अंकल, मैं गोश्त, अंडा, दूध, चावल सब खाता हूँ, लेकिन मैं रेस हार जाता हूँ, थक जाता हूँ, और मैं होमवर्क पूरा याद कर लेता हूँ लेकिन फिर भूल जाता हूँ। क्लास में सब मुझे ढीला कहते हैं। अच्छा, आपके अबू क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं। और आपकी अम्मी? अम्मी कुछ नहीं करती, घर पर रहती। अच्छा, क्या आपने इनको बताया है? अम्मी को बताया और अम्मी ने अबू को भी बताया। तो फिर आपके अबू ने क्या कहा? अबू ने कहा कमजोरी है, दूध पी लो, लेकिन मैं पूरा गिलास भर के दूध पीता हूँ। तो क्या आप अपने अबू को यहाँ ला सकते हो? अच्छा, कामरान जी। डॉक्टर साहब, कामरान अब यू करना के क्लिनिक बंद करते हुए घर चले जाना। मैं इनके साथ इनके वालिद से मिलने जाऊंगा, और इस वक्त बच्चों को अकेले जाना मुनासिब भी नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बंद कर दूंगा, आप बेफिक्र। चले बेटा, मैं आपके साथ आपके अबू से मिलते हुए घर जाऊंगा। चले। बज़ाहिर तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, मगर अंदर से बहुत कमजोर है और इनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर है। इनको हर वक्त एक खौफ सताता रहता है। मुझे यूं लगता है कि आप लोगों ने बचपन में इनको प्रॉपर वक्त नहीं दिया है। जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मसरूफियत की वजह से मैंने इसकी सारी जिम्मेदारी सलमा पर छोड़ दी थी। तो मैं कहां फारिग बैठी हूं, घर के सो काम होते, बाजार भी मुझे ही जाना पड़ता है, मगर उसके बावजूद डॉक्टर मैं इसे पूरा टाइम देने की कोशिश करती हूँ। प्लीज, आप एक दूसरे को जिम्मेदार ना ठहराए, ऐसा होता रहता है, जिंदगी के दौड़ में ऐसा होना पड़ता है। मैं कुछ दवाइयां लिखकर देता हूँ जिसमें मल्टीविटामिन है, आप इसको वक्त पे खिलाएं, अल्लाह सब कुछ खैर करेगा, मगर इसकी खुराक की तरफ जरा प्रॉपर तवज्जो दे। सलमा, डॉक्टर साहब कुछ है। क्या हाल है बेटा? ठीक है डॉक्टर। अब तबीयत कैसी है, कुछ फर्क पड़ा या वैसे थकावट महसूस होती है, सांस फूलती है? कोई फर्क नहीं पड़ा डॉक्टर, वैसे जैसे भागता हूँ वैसे ही सांस फूल जाती है।
डॉक्टर साहब, मैंने अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर अरसलान को टाइम दिया है, इसके खाने पीने का भी ख्याल रखा है, मगर डॉक्टर साहब इसे अब भी कोई फर्क नहीं। इसकी टीचर भी इसके काम से मुतमइन नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं यूं करता हूं कि आपको एक कार्ड देता हूं, आप इस पते पर जाकर मिस फरजाना नामी एक खातून से मिल ले, उनसे मशवरा कर ले, वो आपके बच्चे को एग्जामिन करेगी। मुझे यकीन है कि उनके हिदायत से आपके बच्चे को अफाका मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हसन, आप हसन के साथ जवाद साहब पैदाइश से लेकर 2 साल का वक्फा बच्चे के लिए अहम होता है। माँ का दूध और प्रॉपर खुराक अगर बच्चे को सही वक्त पर नहीं मिलता तो बच्चे कई जिस्मानी और जहनी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। वो तो आप ठीक कह रही हैं, पर इसका कोई इलाज तो होता होगा। जवाद साहब, हम कुछ फूड सप्लीमेंट देखकर थोड़ा बहुत रिकवर तो कर सकते हैं, मगर बच्चे की उम्र का वो हिस्सा और माँ का दूध कहाँ से लाएं? ये कमी तो अब हमेशा इसके साथ रहेगी। जवाद साहब, मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि आपने बताया कि आपकी बीबी उम्मीद से है। हमारी गफलत समझो या लाइल्मी, अब अरसलान को कम से कम जिंदगी भर इस बात का हम एहसास ना देना है ताकि उसे किसी बात की कमी महसूस ना हो। और उसे ये बात कहेगा कौन? हमें उसे इस बात का एहसास नहीं होने देना चाहिए। रहे 2 महीने का हो गया, अब तो हंसना सीख गया होगा ना। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हुआ? आ जाए, मुन्ने को भूख लगी है। सबर, आ रही हूँ, बस 2 मिनट सबर। अम्मी, अरे ये तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? अरसलान, तुम इसे यहाँ क्यों लाए बेटा? मैं आ जाती ना। अम्मी काम छोड़े, इसे भूख लगी है। अम्मी इसे दूध पिलाए, मेरा भाई फर्स्ट आएगा, दौड़ में भी सबसे जीतेगा, सबसे आगे निकलेगा मेरा भाई, ये किसी से डरेगा नहीं, और ये टेबल भी याद करेगा, और कोई इसे ढीला भी नहीं कहेगा मेरी तरह।
हमारी छोटी सी गफलत हमारे बच्चों के लिए जिंदगी भर की एहसास से महरूमी बन जाती है।